आंखें सूख गई, आशाएं टूट गई, आवाज़ें थम गई, पर मांगे पूरी नहीं हुई और फैसला हुआ कि पुल नहीं तो वोट नहीं। नमस्कार, आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधा। मैं बात कर रही हूं मोतिहारी ज़िले के चिरैया विधानसभा के पटजिलावा गांव की, जहां के लोग पिछले 20 सालों से अपनी एक मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वो है पुल बनाने का। दरअसल उस गांव के लोग जिस पुल के निर्माण के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अगर वो पुल बन गया होता तो मोतिहारी शहर से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर रहती, पर पुल नहीं बनने के कारण शहर की दूरी इस गांव से 25 किलोमीटर की होती है। साथ ही इस पुल के नहीं बनने से इस इलाके के लोग लगातार बाढ़ का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस इलाके के विधायक रहे हैं लाल बाबू प्रसाद, जो बीजेपी से आते हैं। बिहार में सरकार भी इनके गठबंधन की थी, बावजूद इसके पुल नहीं बन पाया। और जब यहाँ के जनता का सब्र टूटा तो लोगों ने यह निर्णय लिया कि बहुत हुआ नेता के सामने गिर गिराना। छोटे थे, छोटे से ही हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है कि यहाँ पुल बन जाएगा, यहाँ पुल बन जाएगा, लेकिन जब भी चुनाव आता है तो हर एक नागरिक को यही भ्रमित किया जाता है कि अब की बार पुल बन जाएगा, अब की बार पुल बन जाएगा। यहाँ पे जितने भी सांसद आए, जितने भी प्रतिनिधि आए, एक ही चीज़ बोले कि पुल अब की बार बन जाएगा, लेकिन देखते देखते 25 वर्ष हमारे बीत गए उम्र के, लेकिन आज तक ना यहाँ पुल बना है और ना ही कोई विकास का काम हुआ है। इसीलिए अब की बार चुनाव आया है तो हमारे जितने भी जनतागण है, सभी लोग का एक ही सहमत है, एक ही सपोर्ट है कि जब तक ये पुल बनेगा नहीं तब तक कोई भी व्यक्ति वोट डालने नहीं जाएगा। और सभी लोग का यही कसम खा रहे हैं कि जब तक ये पुल नहीं बन जाता तब तक कोई भी एक भी आदमी नहीं जाएगा वोट डालने के लिए। और जब 600 वोट है पटजिलवा में, यहाँ बार घोषित है कितना विधायक आया, कितना संसद गया कि हम पुल बनवा देंगे, नहीं बनाया। इसलिए कि हम लोग का पुल चाहिए, हम लोग का बेटी बहन है दुख बीमारी से, इस पार से उस पार नाव नहीं मिलता है जाने के लिए मोतिहारी चाहे चिरैया, तो हम लोग वोट कह देंगे, हम लोग स्वीकार कर बहिष्कार कर देंगे हम वोट। कितना दिन पहले से पुल का मांग कर रहे हैं आप? मांग कर रहे हैं इन, कम से कम तो हुआ 20-25 बरिस, 30 बरिस हुआ है मांग कर, अभी तक नहीं बना, नहीं बना है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम लोग का वोट देंगे या नहीं तो वोट स्वीकार कर देंगे, नहीं तो हमको पुल चाहिए, पुल चाहिए तो वोट चाहिए। ये अगर पुल अगर बन जाता है तो हमारा बेटी बहन मान के लिए इस बांध से रोड धा करके मोतिहारी दवा दारू कराएगा, क्या क्या साधन है यहाँ? डेंगी नहीं है, न डरिया है, क्या करेंगे यहाँ, भूखे मरेगा लोग। जनता सा भाई लोग जो भी हैं गांव का, एक साथ हम लोग एकजुट होकर इस पुल के लिए हम लोग वोट बहिष्कार करने का निर्णय ले रखे हैं और सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि इस पुल को हम लोग बना दीजिए। जब भी इलेक्शन होती है नेता लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं कि हाँ अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा, लेकिन बार बार आश्वासन देते हैं और आश्वासन पुल बनता नहीं है। इसलिए इस बार का इलेक्शन में हम लोग, हमारे जनता भाई, गाँव समाज, अगल बगल के गाँव वाले लोग, सब लोग मिलकर हम लोग एकजुटता प्रदर्शित करना चाह रहे हैं और वोट का बहिष्कार करना चाह रहे हैं। अब पुल नहीं तो वोट नहीं, यानी कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में यहाँ के जनता वोट का बहिष्कार करेंगे और अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे। वैसे तो हमारे सुशासन बाबू आए दिन पुल का उद्घाटन व शिलान्यास करते आ रहे हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। फिलहाल बिहार समेत देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए DTW24 न्यूज़ के साथ। अगर आप हमारे इस न्यूज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।